हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ आज एक प्रॉब्लम हो गई है। कुछ दिनों से मेरी गार्डन में, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके, इस प्लांट के नीचे ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता। और इसके वजह से मैं गार्डन का कुछ भी वर्क नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। और अभी 1 वीक हुआ है इससे यहाँ आए हुए, और मुझे पता भी नहीं चला ये कब हुआ है स्टार्टिंग यहाँ पर। और वे अभी 2 दिन हुए हैं जब मैंने देखा यहाँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बिल्कुल भी पानी भी नहीं डाल पा रही हूँ, ना किसी भी प्लांट की कुछ भी वर्क नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इसके आसपास आते हुए। लेकिन मधुमक्खी का छत्ता अच्छा होता है कि इससे शहद हमें इकट्ठा होता है, लेकिन गार्डन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। जो दिन भर का काम हमें गार्डन में ही होता है, तो मैं वीडियो भी कुछ सही तरह नहीं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये जो प्लांट है, ये गुडलक प्लांट के नीचे है, और प्लांट मेरा बहुत ही काफ़ी बड़ा है और नीचे, और यहाँ रोज़ भी खिल रखा है, तो रोज़ में भी मैं फर्टिलाइज़र नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास, किसी के पास कोई सोल्यूशन है इनको हटाने का, कि अब मुझे क्या करना चाहिए आगे, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। आप कोई अच्छा मुझे एडवाइस दीजिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या हटाना चाहिए तो कैसे मैं हटाऊं जिससे मेरा वर्क भी चले, और अगर नहीं हटाऊं तो ये रहे भी और मैं अपना वर्क भी कैसे करूं। लेकिन डर तो बहुत ही ज़्यादा लगता है मन में कि एक भी मधुमक्खी ने अगर काट दिया तो बस बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन क्या करूं, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा वर्क बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है इनके वजह से। और ये धीरे धीरे, मैंने सुना भी है कि ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अभी स्टार्टिंग है, और ये कितने दिनों में बढ़ जाता है ये भी नहीं पता है। तो किसी को अगर कुछ पता है तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स करके, ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए आप लोगों से कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। वैसे भी समर सीज़न स्टार्ट है, अभी पानी देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मॉर्निंग इवनिंग, और इनके डर की वजह से मैं बिल्कुल भी पानी भी नहीं दे पा रही हूँ। और पड़ोस में ही मेरी रोज़ का प्लांट है, उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, उसमें मुझे अभी फर्टिलाइज़र भी करना है, तो डर के मारे भी मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स, किसी के पास कोई एडवाइस हो तो ज़रूर शेयर कीजिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में।